नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सपा से अलग हुए शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाज पार्टी, और उसके दम पर आज राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर मौजूद थे। और उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली को अंजाम देते हुए पूरे रैली में जो ताकत दिखाई, अपनी अहमियत को दर्शाया, वो वाकई में एक राजनीतिक माहौल के लिए एक समझने वाली बात है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश वर्मा जुड़ रहे हैं। अविनाश, जिस हिसाब से आज शिवपाल यादव ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उसके बाद जो ताकत दिखाई है राजनीतिक, इसके मायने क्या है और रैली में क्या कुछ ऐसा खास रहा कि जिसके राजनीतिक पहलुओं को समझा जा सके? आपको बता दें कि सपा पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल ने एक पहली रैली की जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। और जैसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह इस पार्टी रैली में शामिल होते ही नहीं होते हैं, तो आपको बता दें मुलायम सिंह यहाँ पे शिवपाल के साथ मत भी साझा किया और शिवपाल के लिए वोटों की मांग भी की। तो आपको ये भी बता दें कि शिवपाल ने यहाँ मंच से अपना दर्द बयां किया, उनका कहना कि पार्टी में हमारे साथ अन्याय हुआ। आपको बता दें कि सपा पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल ने एक पहली रैली की जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। और जैसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह इस पार्टी रैली में शामिल होते ही नहीं होते हैं, तो आपको बता दें मुलायम सिंह यहाँ पे शिवपाल के साथ मत भी साझा किया और शिवपाल के लिए वोटों की मांग भी की। तो आपको ये भी बता दें कि शिवपाल ने यहाँ मंच से अपना दर्द भी बयां किया, उनका कहना कि पार्टी में हमारे साथ अन्याय हुआ। और बोलिए बोलिए कि हमारा पार्टी में अन्याय हुआ और कि कई चापलूसों ने ऊपर लोगों के काम करे जिसके कारण मुझे पार्टी से निकाला गया जी। लेकिन अविनाश, जिस हिसाब से मंच से शिवपाल यादव बोल रहे थे तो ये वाकई में लग रहा था कि हाँ, शिवपाल यादव के साथ एक बड़ा तबका है यूपी में वोटरों का, उनकी रैली में जो हुजूम उमड़ी थी वाकई में देखा जा सकता था। लेकिन अविनाश, इस पूरे रैली के माध्यम से शिवपाल ने जो मैसेज देने की कोशिश की है आगामी चुनाव को लेकर के, उसमें कितना शिवपाल खड़ा उतर पा रहे हैं? मैसेज साफ है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी यूपी में उनकी ताकत, उनकी पार्टी की अहमियत क्या है जी। और इस माध्यम से उन्हें एक सफल आयोजन माना जाएगा जिस हिसाब से पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई जी। तो लेकिन अविनाश, मंच पर मुलायम सिंह यादव भी नजर आया और मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव सर पर हाथ रख करके बाकायदा अविनाश शिवपाल यादव का अभिवादन स्वीकार किए। आपको बता दें कि जब मुलायम सिंह मंच से बोल रहे थे तो शिवपाल उनके जस्ट बगल में खड़े थे और ये भी आ रहा था कि बाबा पर्ची रख रहे थे उनके सामने जी। और शिवपाल कहने के बाद ही उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और उनको आशीर्वाद दिया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश वर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट शत्रुघ्न कुशवाहा जी हैं। शत्रुघ्न जी, जिस हिसाब से यूपी की राजनीति है, यूपी की राजनीति में शिवपाल यादव जिस हिसाब से सपा से अलग होकर के अपनी नई प्रगतिशील पार्टी बनाई और उसके हिसाब से 100 विधायक जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में शिवपाल यादव क्या एक बड़े राजनेता के तौर पर देखे जा सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि शिवपाल की पार्टी बनाना और शिवपाल की पार्टी में मुलायम सिंह का जाना और जाने के साथ साथ लाल टोपी पहनना और पूरे यूनिफॉर्म में जाना जी, कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि ये पुत्र मोह से ग्रसित होने के बावजूद भी भाई के मोह से भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं जी। और एक न एक कहीं ये दिखा रहा है कि बसपा का कमज़ोर होना और शिवपाल की पार्टी बनाना और अखिलेश का पार्टी होना, दोनों का जो मिश्रण है या दोनों मिला के जो चल रहे हैं लोग, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं एक ना हो जाए। क्योंकि मुलायम सिंह का ये आशय है, मुलायम सिंह का सोचना है, एक तरफ पुत्र है एक तरफ भाई है, भाई उनके साथ हनुमान की तरह हमेशा लगे रहे, पुत्र पुत्र होता ही है, और इस पार्टी में अपने लाल टोपी पहन के और यूनिफॉर्म के साथ जाना, आशीर्वाद देना, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर गड़बड़ है और ये दोनों का मिलना शायद आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है।
तो शत्रुघ्न जी, इसका ये इस जन आक्रोश रैली आज जो हुआ, जी इस जन आक्रोश के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जिस हिसाब से मंच पर, जिस तरह से मंच पर आकर के जी बकायदा शिवपाल यादव के सर पर हाथ रखते जी हैं, तो क्या टिपू सुल्तान यानी मतलब कि मुलायम के टिपू सुल्तान अखिलेश यादव के लिए जी आगामी आने वाले समय में एक खतरे की घंटी है? ना, एक कहीं खतरे घंटी नहीं है। जहां तक मेरा अनुमान है, ऐसा मुलायम सिंह की दूरदर्शिता के बारे में जो लोगों ने कहा है या मुलायम सिंह की जो सोच रही है अपनी राजनीतिक करियर में, जी मुलायम सिंह हमेशा 2 कदम आगे और 2 साल आगे की सोच के चलते हैं। जी तो मुलायम सिंह का कहीं ये खतरे घंटी नहीं है। यहाँ तक सोच है मुलायम सिंह आने वाले चुनाव में अपने पुत्र और अपने भाई को मिला देंगे, और ये जो बहुत बड़ी घटना होगी, और ये घटना ऐसी होगी कि समाजवादी पार्टी उठेगी भाजपा को पूरे तौर पे टक्कर देने के लिए, और आपकी मायावती बसपा जो है यहाँ गर्त में चली जाएगी। और लेकिन शत्रुघ्न जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, और ओम प्रकाश राजभर अपने तेज तर्रार बयान के लिए भी जाने जाते हैं, और वो जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री भी हैं, और उस दलित समुदाय के जातियों के लिए हिसाब से मांग कर रहे हैं, और ऐसे में शिवपाल यादव ने भी कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाए, तो मुझे जहां तक लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है सुहेलदेव समाज पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी, ये आगे चल करके एक भी हो सकते हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का, जी शिवपाल यादव की पार्टी का या सुहेल देव की पार्टी का, ये सारे का जो मेन मकसद है बैकवर्ड और दलित समाज का एकजुट करना, जी उसका कारण है 11% यादव समाज, 13-14% कुशवाहा मौर्य समाज, दलित समाज 15% के कारण ये पीछे हुए हैं। 15% जो हमारे फॉरवर्ड समाज हैं, जी और ये 85% बैकवर्ड दलित एंड मुस्लिम समाज होने के बाद भी इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। ये सबका मिलाना और सबको मिल के चलना इनकी मजबूरी भी है और आज की जरूरत भी है इनके हिसाब से। जी शत्रुघ्न जी, अब जब हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के पार्टी से महासचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद कुमार। अरविंद जी, प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये बताइए कि जिस हिसाब से आज शिवपाल यादव की जन आक्रोश रैली में इतना बड़ा हुजूम देखने को मिला, और आप जिस बातों को लेकर के मांग उठाते रहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, उस बातों को तो बाकायदा शिवपाल ने मंच से परोसा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये असंतोष की भावनाएं झलक रही हैं कि जी जिस उद्देश्य को लेकर के 2017 में जिस जनता ने लपट करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई, और इस सरकार में हम लोग भी हैं, और आज शिवपाल यादव जी अभी आज वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले 27 अक्टूबर को भी हमारा कार्यक्रम उसी मैदान में था, तो हमने भी अपनी आक्रोश को व्यक्त किया कि जो गरीब परेशान है, गरीब पीटा जा रहा है, नौजवान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट कराने की पहल चलाई जा रही है, जो धार्मिक संगठन है वो उत्तर प्रदेश के माहौल को गड़बड़ाना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के शिवपाल यादव जी ने जो आज कार्य किया है वहाँ पर, एक प्रकार से हमारी ही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको आईना दिखाने का काम किया है। ये जो पब्लिक आई हुई है, ये जनता जो आई हुई है, ये जनता आज अपने अधिकार मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आई हुई है, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए शिवपाल यादव जी ने एक बहुत जो भी कार्यक्रम उन्होंने आज रमा मैदान में जारी किया है, उसको देख करके अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो आने वाला समय बड़ा। तो जी बिल्कुल, तो अरविंद जी, क्या ये समझा जाए कि आगामी चुनाव में जिस हिसाब से योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली, सत्ताधारी सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष जो एक एकजुट हो रहा है, और उसमें सुहेलदेव समाजवादी पार्टी क्या जस्ट अपोजिट जा सकती है? नहीं, देखिए, हम लंबे समय से लगे हुए हैं, लगभग जब से सरकार में सम्मिलित हुए हैं तब से हम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और स्टेट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी को और प्लस सरकार को भी हमेशा चेताते चले आ रहे हैं कि इस माहौल गड़बड़ा रहा है, जनता आक्रोशित हो रही है, जनता मूलभूत आवश्यकताओं से दूरी बना रही है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इन चीजों को लेते हुए
आने वाले 2019 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर की बातों का समर्थन नहीं किया, उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, तो अभी तो शिवपाल यादव जी ने किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश की समस्त पार्टियां छोटी बड़ी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। इन चीजों को लेकर के हम बार बार माननीय मंत्री जी, हम लोग भी संगठन में अपने मंच के माध्यम से भाजपा को चेताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह बनती चली जा रही है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। तो साफ तौर पर जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा कि आपने इनकी बातों को सुना कुशवाहा जी, कि ये भी योगी सरकार से बगावती सुर तो इनके माने ही जा रहे हैं शुरू से, लेकिन एक सरकार में रहते हुए भी ओम प्रकाश राजभर जिस हिसाब से आग बोने का काम कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं वो योगी सरकार के खिलाफ, मतलब ये आने वाली भारतीय राजनीति की परिदृश्य आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं इस समय राजनीति के, ऐसा लग रहा है कि समाज हमारा बट चुका है। मुस्लिम समाज अलग हो चुका है, बैकवर्ड समाज अलग हो चुका है, दलित अलग हो चुके हैं और फॉरवर्ड समाज अलग हो चुका है। ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। समाज का बटना ये कभी अच्छा नहीं होता है। और हम आज, अभी कुछ सालों पहले होता था कि मुस्लिम और हिंदू समाज हुआ करते थे, अब मुस्लिम हिंदू समाज हट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब समाज दलित समाज हो गया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है, बैकवर्ड दलित हो गया है। ये आज की समय में ये बहुत गलत जा रहा है मैसेज। और ये बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी की जो मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, वही चाहती है कि आपस में फूट डालो, अंग्रेजों की प्रवृत्ति के हिसाब से कि आपस में फूट डालो और राज करो, ये तोड़ने का काम कर रही है। और जहाँ तक मेरा सोचना है या मेरा देखना है कि आज की डेट में शायद ये हो रहा है। शत्रुघ्न जी, 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, मतदाता मत डाल चुके हैं, अब तो 11 तारीख को किसका मंगल होता है, कौन सी पार्टी फिर सत्ता में वापसी करती है, तो 11 दिसंबर का भी दिन बहुत खास होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में चुनावी समीकरण क्या होने वाले हैं नतीजों के तौर पर? नतीजों के तौर पर जो अभी कुछ चैनलों के, कुछ अखबारों के जो रिजल्ट, पोल रिजल्ट दिखाया गया है, इसमें राजस्थान में तो दिख रहा है कि कांग्रेस आ रही है, और उसका एक और इतिहास अगर आप उठा के देखो तो राजस्थान का इतिहास ये रहा है, कोई पार्टी तुरंत रिपीट नहीं होती है जी। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी के बाद फिर वो बदल के आती है जी। तो इस नाते, लेकिन जहाँ तक तेलंगाना का है, जहाँ तक एमपी का है, तो एमपी में मैं समझता हूँ कि थोड़ा संघर्ष है जी। एमपी में आप संघर्ष मानते हैं जिस हिसाब से वहाँ पे शिवपाल, लेकिन शिवपाल यादव तो बोल रहे हैं कि मैं खुद सर्वेक्षक हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सत्ता में हमारी वापसी हो रही है। तो खैर, हालांकि 11 दिसंबर से पहले सभी राजनेता इस तरीके से बयान देते रहते हैं, लेकिन अब 11 दिसंबर को कौन सी पार्टी 5 राज्यों में सरकार बना पाती है, ये 11 तारीख के सुबह से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा राजनीति है यूपी में, खास करके शिवपाल यादव की बढ़ती हुई राजनीति कद और मोदी सरकार के साख को लेकर के विपक्ष जिस हिसाब से घेरता चला आ रहा है, और इन सब के बीच में 5 राज्यों का चुनाव कितना अहम भूमिका निभाएगा, चूंकि कुछ लोग तो इसको सेमीफाइनल भी मान रहे हैं, तो ये देखने वाला बहुत दिलचस्प नज़ारा होगा 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे और शाम होते होते ये क्लियर हो जाएगा कि 5 राज्यों में किस किस सरकार बन रही है। फिलहाल इस खास मुलाकात में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।